इस आरती को ढूंढो किसी भी तरह से, क्योंकि फोरेंसिक के मुताबिक जो कंकाल हमें मिला था वो किसी फीमेल का नहीं, मेल का है, मतलब आरती का नहीं। उन दोनों की तरह ये भी हमारे साथ लुकाछुपी का खेल खेल रही है। हो सकता है इन तीनों ने मिलकर किसी और को मार दिया। हमें ध्यान रखना होगा, किसी को बदबू नहीं आनी चाहिए। अभी हम तीनों की जिम्मेदारी है, इसके लिए हमारे चेहरे पर शिकन नहीं होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल मुस्कुराते हुए। ठीक है आरती। और उस अनजान आदमी को मारने के बाद तीनों को लगा होगा कि फरार होने उनके पास एक आखिरी रास्ता बचा। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है हमें सबसे एक बार फिर से बात करनी चाहिए, हो सकता है किसी के जहन से कोई बात निकल गई। सर ये मकान मालिक रमन हमसे कुछ छुपा रहा है, इसे पक्का कुछ पता है, हमें इसे बात करनी चाहिए। शायद इसको पता था कि तुलसी के पौधे के नीचे एक लाश छुपाई गई थी। हो सकता है इसे तुलसी के पौधे में पानी डलवाने की बड़ी चिंता थी। अरे ये तुलसी में पानी नहीं डालती क्या, देखो कितना सूख गया है। और हितेश और धर्मेश के गायब होने का फायदा उठाकर हो सकता है ये शायद अपने को जुर्म छुपा रहा। इन तीनों के ही ज्यादा चांसेस हैं, धर्मेश, हितेश और ये रमन। अब या तो इन तीनों में से किसी एक ने या इन तीनों ने मिलकर ये कांड किया। धर्मेश के कंसल्टेंसी वाले फ्रेंड तेजस को बुलाओ, मुझे लगता है उससे बात करके हमें कुछ सुराग जरूर मिलेगा। और धर्मेश और हितेश दोनों की फैमिली से कांटेक्ट करो, दोनों के माँ बाप को कहो कि उन्हें वापस से यहाँ सूरत आना होगा डीएनए सैंपल्स के लिए। अगर कोई ज्यादा नाटक करें तो बता देना, कंकाल मिला है जो किसी का भी हो सकता है। जी सर। और इस रमन को भी बुला लें। बुला लो, हो सकता है सबसे बड़ा झूठा यही, क्राइम सीन वाले मकान का मालिक है। हो सकता है तुलसी के पौधे के लिए इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर बनाया उसके पीछे इसी का दिमाग। तुलसी के पौधे के ढांचे में दबे हुए कंकाल का यह अजीबोगरीब मामला अपने अंजाम तक पहुंचने से काफी दूर था। पुलिस के पास आगे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने नए सिरे से तहकीकात को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और इस बार भाग्य उनका साथ देने वाला था, उनकी पूछताछ में घटनाओं के सबसे चौंका देने वाले मोड़ पर ले जाने वाली थी। अरे कोकिला देखो तो किसका फोन है। नाम नहीं है, किसी लैंडलाइन से है। हेलो, राणा नगर पुलिस स्टेशन से ASI रीवा सेठ बोल रही हूँ। हाँ मैडम, धर्मेश और हितेश मिल गए क्या? नहीं, लेकिन इतना कंफर्म हुआ है कि जो कंकाल मिला है वो किसी आदमी का। क्या हुआ, क्या बोल रहे? हेलो। हाँ मैडम, उनकी कोई खबर आई क्या? नहीं हसमुख जी, लेकिन उनके किराए वाले मकान से जो कंकाल मिला था इतना कंफर्म हो गया है कि वो कंकाल किसी आदमी का है। उस कंकाल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें DNA टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपका और कोकिला जी का DNA सैंपल चाहिए। अरे पर हम क्यों सैंपल देंगे, हमारा क्या लेना देना है DNA से? देखो वो आदमी कौन है, क्या है, हमें क्या पता? देखिए हसमुख जी, अभी तक हमें भी नहीं पता चला है कि किसका मर्डर हुआ है, लेकिन पूरी संभावना है कि हितेश या धर्मेश दोनों में से एक हो सकता है। संभावना है? मतलब अभी तक तुम लोग संभावनाओं पर ही टिके हुए हो? अभी कुछ दिन पहले तुमने अंदाजा लगाया था कि वो दोनों मर्डरर है, और आज तुम अंदाजा लगा रहे हो कि वो दोनों विक्टिम है। हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि वो कंकाल धर्मेश और हितेश के ही हैं, वो किसी और के भी हो सकते हैं, पर ये बात कंफर्म करने के लिए मैं DNA टेस्ट करना होगा ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे। रूटीन प्रोसीजर है। हम सूरत आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्या कह रही थी पुलिस, कुछ पता चला दोनों का? पुलिस कह रही है कि जो कंकाल उन्हें मिला है वो हितेश या धर्मेश में से किसी का हो सकता है। धर्मेश तुम्हारा दोस्त, तो उसने कुछ तो बताया होगा। दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, वो मुंबई में नया बिजनेस खोलने की सोच रहा था, शायद उस बारे में कुछ कहा। सर धर्मेश ने मुझसे मुंबई जाने के बारे में कोई बात नहीं करी थी, और नया बिजनेस शुरू कर रहा था। क्या हुआ, क्या सोच रहे? सर बात थोड़ी पुरानी है, पता नहीं आपके काम की है भी या नहीं। तेजस काम की है या नहीं है ये हम देखेंगे, तुम्हें जो भी पता है बताओ। सर एक बार धर्मेश ने मुझसे कहा था कि वो अपना फोटो स्टूडियो शुरू करना चाहता है। धर्मेश फोटो स्टूडियो? हाँ सर, कॉलेज में उसने फोटोग्राफी का कोर्स भी किया था। फोटोग्राफी के बारे में तो हमें किसने कुछ नहीं बताया। सर 4 या 5 साल पुरानी बात है, जब उसने कंसल्टेंसी फर्म ज्वाइन करी थी तब उसने मुझे बताया था। सही है यार, तूने निकाला ये? बताया नहीं यार तूने कभी कि तू इतना बेहतरीन फोटोग्राफर है? इस फर्म में क्या कर रहा है तू, बाहर निकल, बहुत पैसा है फोटोग्राफी में। तुझे क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? खुद का स्टूडियो था मेरा, कुछ करना चाहता था, सोचा था, बस जरूरी नहीं ना जो सोचे वो हो जाए। क्यों,
ऐसा क्या हुआ? याद मत दिला, उस नरेंद्र को अपना पार्टनर बनाया, दोनों ने मिलके साथ पैसों का जुगाड़ किया, स्टूडियो खोला, लेटेस्ट इक्विपमेंट डाले, सब अच्छा चल रहा था, फिर पता नहीं किसी ने उसके कान भर दिए, धोखा दिया उसने मुझे, काफी झगड़ा हुआ हम दोनों के बीच में, फिर खटास इतनी बढ़ गई स्टूडियो बंद करना पड़ा। तुम जानते हो उस नरेंद्र को? इसके बारे में और कुछ बताया था? नहीं सर, धर्मेश ने बताया था कि वो उसका कॉलेज का फ्रेंड है। सर, धर्मेश ने अपने कंपनी वाले रेज्यूमे में अपने कॉलेज का नाम शंकर मूलचंदानी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स लिखा है। तेजस, जिस झगड़े का जिक्र धर्मेश ने किया था वो बड़ा झगड़ा था, मतलब मारपीट हुई थी? वो तो पता नहीं, पर इस बारे में बात करते समय बहुत उदास हो गया था वो। ठीक, हो सकता है इन्फॉर्मेशन हमारे कुछ काम की, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी याद आए तो तुरंत हमें कॉन्टेक्ट करना। ओके सर। उसके कॉलेज में पता करें सर, हो सकता है ये धर्मेश नरेंद्र के बैच का ही हो। हाँ पता कर, अच्छा खासा बिजनेस था, हो सकता है कि नरेंद्र की वजह से हाथ से निकला, किसी बहाने से बुलाया नरेंद्र को वहाँ पर सालों पुरानी भड़ास निकालने के लिए, अब मुमकिन है कि वो स्केल्टन नरेंद्र का, पता करता हूँ सर। जी, नरेंद्र नाम का एक स्टूडेंट था हमारा, धर्मेश वगैरह की ही क्लास में था वो, 2011 में ही ग्रेजुएट हुए थे दोनों। कोई कॉन्टेक्ट नंबर या और कोई डिटेल है आपके पास? कॉन्टेक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन एड्रेस है उसका, वो देहरादून से ही था। ठीक है, एड्रेस दीजिए। मां मैं निकल रहा हूँ, देर होगी मुझे तो मैं फोन करूंगा। हाँ, अरे ऐसी कौन सी जगह जा रहा है जहाँ देर हो जाएगी तुझे? अरे सुन तो। जय श्री कृष्ण दीदी, कैसी हैं आप? जय श्री कृष्ण। कहाँ लेके जा रहा है तू इसको? हाँ, अरे बताता क्यों नहीं कहाँ जा रहा है? अरे दीदी, उस जगह से आपको बहुत नफरत है, अगर आपको बताएंगे ना तो आप हमें जाने नहीं दोगे। मुझे कौन सी जगह से नफरत है? अरे जल्दी चलो मामू, नहीं तो माँ को सब याद आ जाएगा। तो अरे रुक रुक धर्मेश, अरे माँ को सब याद आ गया, पिक्चर दिखाने के लिए लेके जा रहा है। चलो चलो बाय माँ। समझते नहीं है दोनों। हाँ माँ, मन और आदत दोनों ही खराब कर दी थी फिल्में। हाँ, आजकल की फिल्में कुछ अच्छी बातें नहीं दिखाती है। या माँ, तुझे तो खुश होना चाहिए मामा भांजे की ऐसी दोस्ती देख के। माँ, पुलिस क्या कह रही है कि धर्मेश और हितेश दोनों ने एक दूसरे को? नहीं नहीं सरला, वैसा नहीं कर सकते, पुलिस ने पहले भी गलती की है ना। तुम दोनों धीरज रखो, पुलिस से बात करने दो। चलिए अंदर बुलाते हैं। जी चलो। हमने सुना वो तुलसी कह रहा तुमने बनवाया? नहीं, आपको किसने बोला? क्यों, एक और मर्डर करने का इरादा है क्या? भावनी ने बताया, उसी भावनी ने जिसे तुम बार बार तुलसी कैर में पानी डालने के लिए बोलते थे। बड़ी चिंता थी तुम्हें, सूखे हुए तुलसी के पौधे की? नहीं नहीं, वो तो तुलसी का पौधा था तो मैंने देखा तो बोल दिया पानी डालो, वरना मेरा कोई और इरादा नहीं था। मैं क्यों बोलता इतने बड़े पहाड़ जैसे तुलसी कैरे में पानी डालने के लिए? अगर वो तुलसी कह रहा तो मैं इतने अजीब लग रहा था, पहाड़ जैसा लग रहा था, तो धर्मेश और हितेश के जाने के बाद उसे तोड़वाया क्यों? अरे वो तो मैंने इसलिए नहीं तोड़वाया कि इतना मजदूर लगते, 1500 खर्चा हो जाता है मेरा, तो मैं सोचा कि जो किराए पे आएगा वो अपने आप करा लेगा, उसका सिर दर्द लाना अच्छा था। और तुम भूल गए कि तुम्हारा भांडा तो एक ना एक दिन फूटना ही था, और ये काम किया विद्या और मुकंद ने, और वो तुलसी कह रहा तुमने इसलिए नहीं तोड़वाया क्योंकि तुम जानते थे कि उसके अंदर क्या है, तुमने सोचा मौका अच्छा है, अनजान बन के पीछे छुड़ा लेता। नहीं नहीं नहीं, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम था कि उसके अंदर क्या, कोई लाश है कि कंकाल है, मालूम नहीं था। मालूम होता तो मैं क्यों तोड़वाने को बोलता, अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारने को बोलता? नरेंद्र वर्मा जी, मैं ही नरेंद्र हूँ। धर्मेश बागले को जानते हो तुम? सर मैं कैसे बताऊँ धर्मेश कहाँ होगा, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? हमने सुना है कि धर्मेश के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था, तुमने धोखा दिया था उसे। मैंने धोखा दिया सर? सर सच बात तो ये है कि वो खुद एक धोखेबाज था, यही देहरादून में फोटोग्राफी स्टूडियो शुरू किया था हमने। 3 महीने सर किसी तरह मैंने गाड़ी खींची और नहीं हो पाया सर। भाई 2-3 लेंस लेने पड़ेंगे, पैसे का जुगाड़ कर ले। लेकिन क्यों लेना है जब उसके बिना भी काम चल रहा है तो? भाई काम चल रहा है, अच्छा काम नहीं चल रहा है। देख भाई तू भी जानता है, और ये बात हुई थी हमारी कि शुरू के 6 महीने 10 लाख में निकल जाएंगे। हाँ तो क्या, पता नहीं 2 महीने में खर्चा कितना हुआ है, 13 लाख रुपए, एक फूटी कौड़ी का कोई रिटर्न वापस नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं चलता है धंधा भाई। तू कहना क्या चाहता है,
ये पैसे ना बिजनेस में लगे, मेरे ऊपर खर्चा नहीं हुआ है, और मेरा टाइम मेरी मेहनत उसका क्या भाई, मुझे भी रिटर्न नहीं मिला है। यार एक काम करते हैं, ये पार्टनरशिप खत्म कर देते हैं। मतलब धर्मेश के ऊपर बहुत गुस्सा था तुम्हें? आप गलत तार छेड़ रहे सर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पिछले 6-7 साल से एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी हमने। सर 13 लाख के लिए मैं उसको किडनैप कर दूं, मर्डर कर दूं। मर्डर की तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो बस इतना कहा कि धर्मेश मिसिंग है। सर आप गलत समझ रहे सर, सर मैं ये कहना चाहता था कि मैं सीधे सीधे बात करने वाला आदमी हूँ। अब मैं भी तुमसे सीधी सीधी बात करता हूँ। आरती छाबड़ा को जानते हो तुम? जी सर बिल्कुल जानता हूँ, धर्मेश की कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड थी सर। सर हम साथ में ही पढ़ाई करते थे और साथ में ही हैंग आउट था हमारा। और ये रिलेशन कितना सीरियस था, बाद में भी साथ थे दोनों? सर बात का तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि धर्मेश कॉलेज में साई की तरह उसके साथ रहता था। आरती को कोई आंख उठाकर भी नहीं दिखता था कॉलेज में। एक मिनट, क्या घूर रहा है लड़की? अनकंफर्टेबल हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। ओ बॉडीगार्ड, तू जाने अपना काम कर। बंदी है मेरी वो, ऊपर से अकड़ भी दिखा रहा है। यार से समझा रहा हूँ ना, मत घूर। ओ बॉडीगार्ड, मैं तो घूरूंगा। तू क्या कर लेगा? क्या तुम बता सकते हो आरती हमें कहाँ मिल सकती है? सर अब वो कहाँ होगी ये तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको उसके घर का पता दे सकता हूँ, यही देहरादून में। एड्रेस दो उसका। जहाँ एक तरफ देहरादून गई पुलिस अब तक हाथ ना आने वाली आरती चावड़ा तक पहुँचने के करीब थी, वहीं दूसरी तरफ सूरत में कुछ चौंकाने वाले घटनाक्रम सामने आने वाले थे, जो पुलिस के सामने सवालिया निशान की तरह खड़े होने वाले थे। क्या थी ये खबर? क्या ये खबर इस केस की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली थी? सर नासिक पुलिस का फोन आया था, 2 दिन पहले नासिक में मंगोल नाका के पास उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिली। शायद अक्यूज जल्दबाजी में विक्टिम का आईडी प्रूफ निकालना भूल गया। विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन धर्मेश वाघेला के नाम से, लेकिन मर्डर के बाद पत्थर से उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया। अगर धर्मेश की बॉडी नासिक में मिली है तो कंकाल किसका है जो हमें मिला? हितेश या फिर किसी और का, जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं? आरती, क्या इन दोनों मर्डर्स के पीछे आरती? हो सकता है सर, ये डेड बॉडी मिलने के बाद तो हमारा पूरा केस ही उलट गया। अरे वाह, बोलो। व्हाट, धर्मेश की डेड बॉडी मिली है? आरती के घर पहुंच गया हूं मैं, देखता हूं यहां से क्या मिलता है। जी हमें आरती से बात करनी है। आप? सब इंस्पेक्टर सुनील गोरड़िया, गुजरात पुलिस। लेकिन वो तो सूरत में ही रह रही है सर, पिछले 3 सालों से। सूरत में किस जगह? धर्मा रोड के पास। आरती काम क्या करती है वहां? जी सर वो एचआर मैनेजर है। किसी धर्मेश को जानते हैं आप लोग? धर्मेश नहीं सर। राजू आपको नहीं पता? कौन है ये धर्मेश सर? धर्मेश आरती का बॉयफ्रेंड है। तुम्हें कुछ पता था इसके बारे में? नहीं जी, मुझे भी अभी पता चल रहा है, पर हुआ क्या सर? धर्मेश की डेड बॉडी मिली हमें, और उसका भांजा हितेश मिसिंग है। जिस घर में धर्मेश और हितेश किराए पर रहते थे, हमें पहले वहां कंकाल मिला, और अब धर्मेश की बॉडी। इन सबसे आरती का क्या लेना देना सर? भरत जी आरती सूरत में कैसी अकेले इंसान है जैसे धर्मेश और हितेश जानते थे? मैं आरती को फोन करता हूँ सर। नहीं आप उसे कॉल नहीं करें, उसका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस हमें दीजिए और जॉब डिटेल्स भी। तारा इसमें आरती की ही भलाई है, अगर हमारे यहाँ से जाने के बाद आप उसे इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या हुआ, किसका फोन था? पुलिस बोल रही है कि धर्मेश की लाश मिली। जी सर आरती के पेरेंट्स तो बता रहे कि वो सूरत में ही है, उसका एड्रेस और फोन नंबर मिला है, रीवा गई है उसे उठाने उस एड्रेस पर। जल्दी आरती, तुम्हें हितेश और धर्मेश को ढूंढने में हम अपना पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर चुके, अब हमारा और वक्त बर्बाद मत करना। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो बता दो कंकाल किसका था। कंकाल? हाँ कंकाल। किसका कंकाल? इंसानी कंकाल, जो हमें उस मकान में तुलसी कारा के नीचे मिला जहाँ धर्मेश किराए पे रहता था।
वो कंकाल जिसकी खबर पूरे जमाने को है, हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ चैनल में खबर है, लेकिन तुम्हें खबर नहीं है। सर मैं न्यूज़ भी नहीं देखती, मेरे घर पे तो न्यूज़पेपर भी नहीं आता है। लेकिन तुम तो उस मकान में जाती थी ना, धर्मेश की गर्लफ्रेंड थी ना तुम उस घर में वो तुलसी कह रहा तो याद होगा ना? याद है सर, देखा था मैंने, लेकिन मुझे कैसे पता कि उसके अंदर क्या है और धर्मेश और हितेश ने ही कुछ किया है। लेकिन वो तुलसी कह रहा बनवाया तो उन दोनों ने था ना, बालकनी के बीचों बीच इतना बड़ा तुलसी कह रहा बनवाया, तुम्हें अजीब नहीं लगा? आरती क्या जानती 2017 में क्या हुआ था? मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तब तो तुम ये भी नहीं जानती हो कि अक्टूबर 2017 से धर्मेश और हितेश गायब थे और अब धर्मेश की लाश मिली। धर्मेश की लाश? धर्मेश की लाश 2 दिन पहले बॉडी मिली है उसकी नासिक में, मर्डर हुआ उसका। 2 दिन पहले? अक्टूबर 2017 से हितेश और धर्मेश कहाँ गायब थे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि धर्मेश और हितेश मिसिंग है, अब आप कह रहे हैं कि उसकी लाश मिली। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, 2017 में क्या हुआ था? तुम तीनों ने मिलकर किसे मारा था? हमने किसी को नहीं मारा सर। तुम भागी क्यों थी? अपना फोन नंबर क्यों चेंज किया? सर मैं भागी नहीं थी, मेरा फोन खो गया था इसलिए मैंने नया नंबर लिया था। सर मुझे सच में नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। धर्मेश से तो अभी 10 दिन पहले मेरी बात हुई है और अब आप कह रहे हैं कि वो मिसिंग है, मर्डर। हितेश के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? सर धर्मेश और मैं कॉलेज के दिनों से रिलेशनशिप में थे, वो कॉलेज के बाद यहाँ सूरत शिफ्ट हो गया था और मैं वहाँ देहरादून में ही रह गई थी। हम मिल नहीं पाते थे इसलिए मैं भी यहाँ शिफ्ट हो गई, तभी हितेश से मिली। हितेश देख कौन आया, तेरी मामी आरती। मुझे लगा ही था, अच्छा लगा तुमसे मिलकर आरती। वैसे धर्मेश ने मुझे कभी बताया नहीं, लेकिन अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं बता। तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल। अरे क्या कर रहा है, तेरी मामी है। मामी लोग बुढ़ी होती हैं, लेकिन ये तो मैं ना तुम्हें आरती बुलाऊंगा, ठीक है? मामी मामी नहीं, देखो चले। अब कोई तो होगा जिसके साथ मिलकर मैं धर्मेश की बैंड बजा सकूंगा। वाह बेटा, मामी क्या थी, मामा का प्यार भूल गया। धर्मेश और हितेश बिल्कुल दोस्त जैसे थे, उनको देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि वो मामा भांजे हैं। तुम्हारा हितेश के साथ क्या रिश्ता था? सर मेरे तो फ्रेंड जैसा था। मुझे लगा तुम कहोगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये क्या बोल रहे हैं सर, मैं यहाँ बैठी हूँ इसका मतलब कुछ भी बोलेंगे आप? मेरे छोटे भाई जैसा था वो। लेकिन हमने तो सुना है कि तुम अक्सर उसी के साथ दिखती थी। तो इसका ये मतलब निकालेंगे आप? जरूरी है कि लड़की जिस भी लड़के के साथ दिखे वो उसका बॉयफ्रेंड ही हो, भाई या दोस्त नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता, लेकिन भाई जैसा दोस्त अगर मिसिंग हो, बॉयफ्रेंड का मर्डर हुआ और जहाँ वो दोनों रहते थे वहीं तुलसी कह रहा के नीचे कंकाल मिले, तो चीजें इतनी आसान नहीं है। ये कहना मुश्किल है कि लड़की जिसके साथ घूम रही थी वो भाई था, दोस्त था, क्या था। सर मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या बोलूं। धर्मेश ने अपना जॉब छोड़ा था कि वो अपना फोटो स्टूडियो स्टार्ट कर सके और उसका फोटो स्टूडियो सेटअप होते ही हम शादी करने वाले थे। तुमने कहा कि 10 दिन पहले तुम्हारी धर्मेश से बात हुई थी, वो सिर्फ तुम्हारे कॉन्टेक्ट में था, अपने घर वालों के क्यों नहीं? सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो अपने फोटो स्टूडियो के लिए पार्टनर्स ढूंढने के लिए गुजरात और बॉम्बे में घूम रहा था, फिर अक्टूबर 2017 में उसने मुझे फ़ोन पर ही बताया कि उसने और हितेश ने वो घर खाली कर दिया है। सर उसके बाद उन दोनों से मेरा कॉन्टैक्ट टूट गया, मैंने एक महीने तक फ़ोन किया लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था, दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर एक महीने बाद धर्मेश का लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आया। हेलो आरती, धर्मेश बोल रहा हूँ, कैसी हो तुम? कैसी हूँ मैं, कैसे छोड़ के गए थे तुम? कहाँ चले गए थे तुम धर्मेश? आई एम सॉरी आरती, वो मैं गुजरात से बाहर हूँ, स्टूडियो के लिए कुछ पैसे का जुगाड़ करने गया, बस उसी में लगा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, जैसे कुछ सेटल होता है तुम्हें बता दूँ, और हितेश भी मेरे साथ है, तुम टेंशन मत लो। बिना बताए ऐसे कैसे चले गए, मिल के भी तो जा सकते थे ना। अच्छा मुझे अभी निकलना है, बाद में बात करता हूँ, ओके बाय। उसके बाद पिछले 2 सालों में मैं और धर्मेश कभी कभी मिलते थे, हर बार वो एक अलग शहर से मिलने आता था। फिर एक महीने पहले जब मैं और धर्मेश मिले तो उसने बताया कि वो मुंबई सेटल हो गया है। तुमने नोटिस किया वो कभी कुछ परेशान रहा हो? परेशान तो था सर, पर मुझे लगा कि वो अपने बिजनेस के लिए पैसे जुटाने में परेशान है। इतने दिनों तक हितेश से तुम्हारी कोई बात नहीं हुई सर? शुरुआत में एक दो बार धर्मेश से पूछा था मैंने, पर उसने कहा कि वो अपने मेरठ वाले ट्रैवलिंग जॉब में बिजी है। तुम्हें धर्मेश ने जो बताया तुमने मान ली? पुलिस को बेवकूफ समझती हो क्या? सर मैं किसी को बेवकूफ नहीं समझती, धर्मेश ने जो बोला मैंने यकीन कर लिया, और हितेश का नया नंबर भी नहीं था मेरे पास, और हितेश चाहता तो वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है तुम जा सकते,
लेकिन शहर छोड़कर कहीं मत जाना। झूठ बोली है लड़की। हाँ सर, जवाब देते वक्त कुछ और ही सोच रही थी। जब धर्मेश और हितेश के गायब होने के बारे में पूछा तो बात घुमा दी, और लड़की के चेहरे और आंखों में वो तकलीफ बिल्कुल नहीं है जो एक लड़की के अपने बॉयफ्रेंड और होने वाले पति की मौत की खबर सुनकर होनी चाहिए। शायद कुछ छुपा रही है सर। मुझे लगता है वो कंकाल हितेश का ही था, धर्मेश के साथ मिलकर मार डाला होगा। अब क्यों मारा, क्या वजह थी, ये हमें ये आरती बता सकती है। फिर हमें कंकाल नहीं, आरती और धर्मेश को पता चल गया होगा कि पुलिस उनको ढूंढ रही है। बात हितेश के मर्डर की थी तो हो सकता है धर्मेश को गिल्ट फील हुआ हो। कब बर्दाश्त नहीं होता है। तुम्हें नहीं आना मत आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सरेंडर करने जा रहा हूं। नहीं धर्मेश, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, ऐसा सोचना भी मत। पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी, और तुम्हें क्या लगता है ये इसे सरेंडर कर देने से तुम्हारा गिल्ट कम हो जाएगा? नहीं, ऐसे एटलीस्ट हम साथ तो रह सकते हैं ना। कुछ दिनों में ना ये मामला भी सारा ठंडा पड़ जाएगा, तुम पहले शांत हो जाओ। तुम्हें लगता है मामला ठंडा पड़ जाएगा आरती? ये कोई चोरी और 420 का केस नहीं, ये मर्डर है। मैं जा रहा हूं सरेंडर करने, मैं जा रहा हूं आरती। नहीं धर्मेश, धर्मेश। लेकिन अगर धर्मेश पुलिस से कन्फेस करता तो आरती को पता था कि आरती भी जुर्म में शामिल है, सजा उसे भी होगी जो शायद आरती को मंजूर ना होगा। तो हो सकता है इसीलिए आरती ने धर्मेश को मार डाला या मरवा डाला। धर्मेश को मारना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे एक्सीडेंट लगना चाहिए। ऑफिसर, डेथ एक्सीडेंटल है और उसके बाद चेहरा बिगाड़ा गया किसी पत्थर से, ये एक्सीडेंट में खराब हुआ चेहरा नहीं है, तो शायद ये एक मर्डर केस हो सकता है जिसे एक्सीडेंटल डेथ के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। चेहरा बिगाड़ा गया मतलब साफ है डेफिनेटली मर्डर है। वही तो सर, अगर आरती का प्लान धर्मेश को मारने का था तो फिर चेहरा क्यों बिगाड़ा? ताकि बॉडी की शिनाख्त ना हो पाए, हम किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंच पाए। हम धर्मेश को ढूंढते रहते और धर्मेश हमें कभी मिलता ही ना, और ये आरती हमारे सामने बेचारी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करती रहती, हमें यही कहती कि मेरा प्रेमी मुझे धोखा देकर भाग गया और मर्डर कर दिया उसने, और हमें भी यही लगता कि बेचारी गर्लफ्रेंड कितना सच बोली जबकि उसका असली सच हमारे सामने कभी ना। सर, हमने कहीं आरती को छोड़कर गलती तो नहीं कर दी? अगर ऐसा है तो वो भाग भी सकती है। मुझे नहीं लगता आरती भागेगी, ये खेल उसने शुरू किया है ये उसे पूरा करेगी। एक काम करो, इसका फोन सर्विलेंस पर डालो और इस पर हर वक्त नजर रखो, ये कोई ना कोई गलती जरूर करेगी। इसके पीछे लग जाओ साई की तरह, चुपचाप, कोई आहट नहीं। सर, जो बॉडी नासिक पुलिस को एक्सीडेंट साइट से मिली थी उसकी शिनाख्त के लिए धर्मेश की फैमिली को बुलाया गया। चेहरा बिगड़ा होने के बावजूद कोकिला वाघेला ने अपने बेटे धर्मेश की लाश को पहचाना। डीएनए के सैंपल्स लेने के बाद पुलिस ने धर्मेश की बॉडी को उसकी फैमिली को हैंडओवर कर दिया। उसका अंतिम संस्कार हुआ, पुलिस भी वहां मौजूद थी और उनकी नजर आरती पर भी गई जो फैमिली से दूर खड़ी थी। उसके चेहरे पर तो साफ दिख रहा था कि वो दुखी है, लेकिन धर्मेश की मौत की संजीदगी उसकी आंखों में नहीं झलक रही। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सब क्या हो रहा है, कौन मारेगा धर्मेश को, और ये हितेश कहाँ चला गया? अपने मामा के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया, क्यों भाग रहा है ये हितेश? कहीं इसने तो
धर्मेश को नहीं मारा। माँ, आपको ऐसा लगता है कि वो दोनों मर्डर कर सकते हैं? मैं नहीं मानती कि धर्मेश मामा और हितेश भाई एक दूसरे के साथ ऐसा करेंगे। जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, बस एक बार हितेश भैया मिल जाए। शायद पुलिस का फोन है। हेलो, माँ क्या हुआ? माँ बोलो। माँ सरला क्या कह रही थी पुलिस? कंकाल हितेश का ही है। कंकाल की आइडेंटिटी के खुलासे ने केस को पलट कर रख दिया था। जहां शुरुआत में हितेश सोलंकी और धर्मेश वगेला मर्डर के जुर्म में मुख्य संदिग्ध थे, वहीं अब दोनों पीड़ित करार हो चुके थे। कंकाल हितेश का था ये तो साबित हो चुका था, लेकिन क्या सच में धर्मेश की मौत भी एक्सीडेंट की आड़ में एक मर्डर था? आखिर 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? इन 2 सालों में धर्मेश कहां था? और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये कि इन दोनों की हत्या की साजिश के पीछे कौन था? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने में लगी हुई थी और इस वक्त उन्हें आरती चावड़ा पर ही सबसे ज्यादा शक था। क्या पुलिस वाकई सही दिशा में थी या फिर इन सब के पीछे कोई और ही था जो पर्दे के पीछे से अपनी उंगलियों पर सभी को कठपुतली की तरह नचा रहा था? सर, आरती अपने घर से निकल चुकी, हमारी कांस्टेबल लगी है उसके पीछे। आरती को उठा लेते हैं सर। नहीं सुनिए, ये आरती कोई बड़ा गेम खेल रही, खेलने दो उसे, लेकिन आंख नाक कान मुंह सब खुले रखो। ये आरती कोई ना कोई गलती जरूर कर रही। જે નંબર ડાયલ કર્યો છે તે પહોંચી બહાર છે। પિછલે કુછ દિનો સે કાફી પરેશાન હું, મેને પૂછા ભી લેકિન કુછ બતાતી હી નહીં હૈ। છુપ છુપા કર કિસી કે સાથ ફોન પર બાત કરતી હૈ? સર, કિસી સે બાત હોતી હૈ યા નહીં હોતી યે તો મુઝે નહીં પતા, લેકિન મેને ઉસે બાર બાર ફોન કરતે હુએ દેખા હૈ। કભી ઉદાસ હો જાતી હૈ ઓર જ્યાદાતર ચિડચિડી રહેતી હૈ। કોઈ અંદાઝા હૈ આપકો कौन है वो जैसे फोन करती है? नहीं सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा कैसे होने दिया तुमने? वो गायब कैसे हो गई? बहुत ही चालाक औरत है ये आरती, पता नहीं उसे कैसे शक हो गया कि मैं उसका पीछा कर रही थी। मैडम टेंशन मत लो, फिर भी मैंने उसका पीछा किया है। ज्यादा दूर नहीं गई है वो, यही एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी है। मैडम सर, आरती के कॉलिंग कोड से नंबर मिला है। पिछले 6 महीने में आरती के इस नंबर पे बहुत बातें हुई थी। नंबर के बारे में पता किया तो पता चला ये तो आरती के नाम पे रजिस्टर्ड है। आरती के नाम? सुनील, ऐसा कौन हो सकता है जिसे आरती खुद के नाम पर लिए हो सिम देगी? उसका बॉयफ्रेंड धर्मेश पक्का हो सकता है सर। कांस्टेबल सपना का फोन आया था, उसने आरती को किसी आदमी के साथ एक रेस्टोरेंट में देखा। एक लड़का था सर, काफी लंबी बात हुई, आरती उस पर चिल्ला रही थी। वो पैकेट जो एटीएम के बाहर सपना ने देखा था आरती के हाथ में, वो आरती ने उसे दिया और फिर आरती निकल गई वहाँ से। कौन था वो? वो तो पता नहीं चला सर, सपना ठीक से शक्ल नहीं देख पाई, वो पीछे से रेस्टोरेंट के किचन डोर से बाहर निकल गया। ये वही आदमी है सर जिसे आरती ने धर्मेश को मारने के लिए हायर किया था? मुझे भी ऐसा ही लगता है सर, शायद आरती उसे मर्डर का पेमेंट दे रही थी या फिर वो आदमी आरती को ब्लैकमेल कर रहा होगा, इसलिए आरती गुस्से में थी और परेशान भी। पैसे जो देने पड़ रहे थे उसे, और देर नहीं करते सर, आरती को उठा लेते, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। 2 थप्पड़ देंगे, तोते की तरह सब उगल देगी। ठीक, उठाओ सर। तो तुमने धर्मेश को मरवाया, जिस शख्स से मरवाया उसके मुंह में पैसे ठूसे थे, लेकिन वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा इसलिए आजकल इतनी परेशान हो, लेकिन जितनी परेशान आजकल हो तब तो नहीं थी जब धर्मेश की मौत की खबर तुम्हें सुनाई थी। गर्लफ्रेंड थी, दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत था, फिर भी धर्मेश की मौत की खबर सुनकर तुम हैरान जरूर हो, लेकिन तकलीफ नहीं? तुम्हें आइडिया है कि क्या हुआ होगा?
तुमने और धर्मेश ने मिलकर हितेश को मार डाला, लेकिन जब हितेश का कंकाल मिला धर्मेश घबरा गया, डर गया और सरेंडर करने की बात करने लगा। अब तुम्हें लगा कि अगर धर्मेश ने सरेंडर कर दिया, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, तुम भी लपेटे में आओगे, इसलिए तुमने धर्मेश को मरवा डाला। बोलो, तुमने और धर्मेश ने मिलकर हितेश को क्यों मारा? तुम्हारे धर्मेश और हितेश के बीच में क्या हुआ था? अपने आप मुंह खोलेगी या जबरदस्ती करनी पड़ेगी? बोल, धर्मेश को कैसे और क्यों मारा? बताती हूँ। सर, मैंने किसी को नहीं मरवाया। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा किसी के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। तो किसका हाथ है? गोल गोल मत घुमाओ, सीधा मुद्दे पे आओ। धर्मेश का है। धर्मेश का? तो तुम्हारी ये लव स्टोरी मर्डर मिस्ट्री में कैसे तब्दील हुई? तुमने और धर्मेश ने मिलकर हितेश को क्यों मारा? सर, मैंने किसी को नहीं मारा। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो आप लोगों से छुप कर यहाँ वहाँ घूम रहा है। फिर उस दिन जब आप लोगों ने बताया कि उसकी लाश मिली है, तो मैं खुद शॉक में थी। मेरी अभी तो उससे बात हुई थी। अभी बात हुई मतलब? सर, उस दिन जब आपने मुझे बताया कि धर्मेश की लाश 11 तारीख को मिली, पर मेरी खुद उससे फोन पे 12 तारीख को बात हुई। धर्मेश जिंदा है तो वो कौन था जिसकी बॉडी नासिक में मिली? तुमने और धर्मेश ने मिलकर किसे मारा? सर, मैंने किसी को नहीं मारा। किसने मारा? सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया है। तो ये सब कुछ तुमने उस दिन क्यों नहीं बोला पुलिस स्टेशन में? क्योंकि प्यार करती हूँ मैं उससे। मैं खुद पूछना चाहती थी, उसके मुंह से सुनना चाहती थी कि उसने आखिर किया क्या है। उस दिन यहाँ से निकलने के बाद मैं उसका फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। इसी बात की तसल्ली करने के लिए मैं उसके अंतिम संस्कार में भी गई। आखिर वो बॉडी है किसकी? धर्मेश की तो नहीं है। कल सडनली उसका मुझे फोन आया, तो मैंने उसे मिलने के लिए कहा। पैसे लाई हो? हाँ लाई हूँ। और हितेश कहाँ है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहाँ है हितेश? और वो कंकाल किसका था? कुछ तो बोलो, पुलिस मुझे परेशान कर रही है। मैंने भरोसा किया है तुम्हारा, प्यार करती हूँ तुमसे। क्या किया है तुमने, प्लीज बताओ। बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसे बताओ? मैंने हितेश को मार दिया। वो कंकाल भी हितेश का है। तो पुलिस जो बोल रही है वो सच है? इन्हीं हाथों से मारा हितेश को, और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे मारने के बाद मैं बहुत डर गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी डेड बॉडी के साथ क्या करूं। फ्लैट से बाहर तो बिल्कुल नहीं ले जा सकता था उसको। फिर मेरी नजर हितेश के बनाए उस बड़े से तुलसी क्यारा पर पड़ी। मैंने इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया कि डेड बॉडी को जल्दी से जल्दी डिकम्पोज कैसे किया जा सकता है। वहां से मुझे नमक के बारे में पता चला, तो मैंने किराना स्टोर से ढेर सारा नमक खरीदा और हितेश की डेड बॉडी को उसमें लपेट दिया। फिर मैंने हितेश की बॉडी को अपने ही हाथों से दफना दिया। मुझे पता था मेरे पास वक्त नहीं है, कितना भी भाग लूं कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाऊंगा। रास्ते में किसको मारा था? किसकी बॉडी थी धर्मेश? उसको मैंने नहीं मारा था, एक्सीडेंट हुआ था उस आदमी का। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वो आदमी कौन था। वो मर चुका था, मुझे लगा कि वो मरा हुआ आदमी मुझे बचा सकता है। मैंने पहले पत्थर से उसका चेहरा खराब किया और फिर आईडी कार्ड के साथ अपना वॉलेट उसकी जेब में रख दिया। मेरी लाश मिलने पर सारा बवाल ही खत्म हो जाता है। पुलिस किसी नतीजे पे पहुंचती ही नहीं, केस ही बंद हो जाता। पर तुमने ऐसा किया ही क्यों? क्यों मारा है हितेश को? मुझे बहुत अफसोस है इस बात को। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। हम यहाँ से भाग चलते हैं कहीं दूर, बहुत दूर। मैं जानता हूँ मुझसे जो हुआ है बुलाना बिल्कुल भी आसान नहीं। फिर तुम सच में मुझको एक मौका दो, सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आरती, कोई जल्दी नहीं है, समय लो। जब तुम्हें जवाब देना है तब देना, मैं कॉल करूँ। धर्मेश ने तुम्हें पूरी राम कहानी तो सुना दी, पर ये नहीं बताया
कि उसने हितेश को मारा क्यों? नहीं बताया सर, नहीं बताया। आरती ने जो पुलिस को बताया, क्या वो वाकई में सच था या सच में धर्मेश ने अपने जिगरी दोस्त, अपने भांजे हितेश की हत्या की थी? क्या धर्मेश ने इस हत्या को अकेले अंजाम दिया था या फिर कोई और भी इसमें शामिल था? शायद सच सामने आ चुका था, लेकिन इस हत्या का मकसद अब भी एक राज ही था जिसे केवल धर्मेश जानता था और वो अब भी फरार था। हेलो, आरती, आने के लिए। हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। जानता हूँ कि शायद तुम भी मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, लेकिन मेरा यकीन करो, एक बार इस गंदगी से बाहर निकल गए ना, सब ठीक हो जाएगा। हितेश के बिना भी सब पहले जैसा होगा, मैं जानता हूँ। हितेश कभी वापस नहीं आएगा, पर मैं वादा करता हूँ पूरी ज़िंदगी प्राश्चित पर गुजार दूँगा। प्राश्चित तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी करना ही है, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं सूरत की जेल में। चले, अब चोर सिपाही का खेल बहुत हो गया। अब बस, इससे पहले कि मेरे सबर का बांध टूटे और तेरी हड्डी पसली तोड़े, सब कुछ सच सच बोल दे। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने अपने दोस्त जैसे भांजे हितेश को मार डाला। धर्मेश, तू मेरी मजबूरी थी, नहीं मारता तो क्या करता? तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो अपने बेस्ट फ्रेंड को मार डाला? शुरू से हितेश आरती के साथ मजाक करने लगा था, तब मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि आरती ने भी हितेश में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। मैंने फिर भी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनके बीच की करीबी खुल के सामने आने लगी थी। तुम यहाँ? बताया नहीं तुम यहाँ आने वाली थी? ऐसे ही चली आई, घर पे इतना बोर हो रहा था तो मैंने सोचा यहाँ आके हितेश के जोक सुन लेते। चल। वो पहली बार था जब सपने मेरे मन में घर किया। उसके बाद आरती घर आने लगी थी मेरी गैर मौजूदगी में। मुझे उनके बीच की नजदीकियां साफ साफ दिखाई देने लगी थी। हितेश भी बदल गया था। तेरा फोन देना, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। अरे फोन में लॉक लगा दी, ऐसा क्या है भाई जो छिपा रहा है? अरे नहीं मामू, वो तो बस ऐसे ही, मैंने सोचा फोन में फंक्शन है तो क्यों छोड़ू, यूज कर लेता हूँ। उससे पहले हितेश ने कभी भी अपना फोन लॉक नहीं किया था और हमें एक दूसरे के सारे पासवर्ड भी पता थे, लेकिन उसने हर चीज पर पासवर्ड लगा दिया था, जिससे मेरा शक और गहरा हो गया। अचानक मेरे दिमाग में वो सब आने लगा, उन दोनों ने मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिलाया होगा। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, फिर अंदर गुस्सा भर गया था, नफरत हो गई थी मुझे हितेश से। उसने आरती पे पूरी नज़र डाल के दोस्ती का बहुत बड़ा इम्तिहान लिया। हम दोनों के बीच में भाईचारा भी खत्म हो गया था। तो तुमने कौन सा रिश्ता निभाया? मामा होकर सगे भांजे को मार डाला? ये सब मैंने जुलाई 2017 में प्लान किया। मैंने हितेश को बोला कि रमन को जाके बोले कि घर खाली करना है, और उसी दौरान मैंने अपने ऑफिस में भी रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद मैंने हितेश को मार दिया और उसकी बॉडी को 2 महीने दफनाने के बाद तक मैं वहीं रुका, ये देखने के लिए कि कोई स्मेल तो नहीं आ रही। और इसी दौरान मैंने ये भ्रम फैलाया कि हितेश जिंदा है, किसी को कोई शक ना हो। उसके फ़ोन से उसके पेरेंट्स के साथ मैसेज पे बात करता रहा, उसके बॉस को भी मैसेज मैंने किया। तो हितेश को मार कर आरती तुम्हें वापस मिल गई? तो हितेश को मार कर आरती तुम्हें वापस मिल गई? मेरी सबसे बड़ी भूल थी, दोनों के बीच में कुछ नहीं था। हमें तो ये पता है,
लेकिन तुम्हें कभी यकीन हुआ कि उन दोनों के बीच में वाकई कुछ नहीं था? हितेश की मौत के काफी दिनों के बाद मैं आरती से मिला। उसने हितेश को लेकर कुछ ज्यादा सवाल नहीं किए, मुझे लेकर परेशान थी और उसे मुझ पर भरोसा भी हो गया था। तब मुझे यकीन हुआ, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? भूल नहीं, तुमने मर्डर किया। महज शक की बुनियाद पर तुमने किसी की जान ले ली। तुम कह रहे हो तुमसे भूल हो गई, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें सख्त से सख्त सजा देने में कानून कोई भूल नहीं करेगा। करने से पहले मुझसे तो पूछ लेते, हितेश छोटे भाई जैसा था मेरे, तुम्हारे छोटे भाई जैसा था। आरती मैंने, बस करो धर्मेश, सुनने को कुछ नहीं छोड़ा तुमने, यार भरोसा सब बर्बाद कर दिया। पूछती रही तो तुमने कभी नहीं बताया, अब तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगी? धर्मेश पर दो केसेस के चार्जेस लगे, पहला हितेश की हत्या के लिए और दूसरा उस अनजान लाश को अपनी आइडेंटिटी देकर पुलिस को गुमराह करने के लिए। जलन और शक की भावनाएं जहर की तरह से फैलती है और वो इंसानी दिमाग के हर कोने को दूषित कर देती है, हर जागरूक विचार को नष्ट कर देती हैं, और नतीजा ये होता है कि मन में सिर्फ नफरत ही जिंदा रह पाती है। इसके वश में आने से ना केवल रिश्तों में जहर घुल जाता है बल्कि कई बार इस घटना की तरह अंजाम भयंकर भी साबित हो सकता है। मामा और भांजा होने के बावजूद हितेश और धर्मेश में सगे भाइयों से भी बढ़कर रिश्ता था, पर धर्मेश की तरफ से सिर्फ एक बेवजह की जलन ने उसके मन में शक का बीज बो दिया, जो आखिर में उसे हितेश का खून करने की साजिश तक ले गया। आरती और हितेश से बातचीत करके चीजों को स्पष्ट करने या अपने रिश्ते पर भरोसा करने की बजाय उसने जलन और बदले का आसान रास्ता चुना। अक्सर जुनून में आकर किए गए गुनाह हत्या करने की अहम वजहों में से एक, और ये ज्यादातर पल भर की नफरत का नतीजा होता है। इन हालात में हमें रुक कर सुलझे दिमाग से सोचना चाहिए और परिस्थितियों का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि सिर्फ संयम बरतने से ही आपराधिक घटनाओं की दर में काफी ज्यादा कमी आ जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, और हमेशा याद रखिए, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।